नहीं आता नहीं। इतनी बड़ी घटना में स्वागत होकर कोई भूमिका नहीं होती। हमें तो नेता लोगों पर सबसे ज्यादा तरस आता है हमेशा। इस देश और दुनिया में सबसे सभी कुकर्म और सभी पाप जल लेता है। जितनी घटना घटती है सब कुछ नेताओं से शुरू होता है। बिना नेताओं के कुछ हो ही नहीं सकता। हम नेताओं को समाज क्यों इतना तवज्जो देती है मुझको समझ में नहीं। जब हमसे कोई सवाल करता है कि अपराध क्यों बढ़ता है, सरकार कहां सोई है डेली। कल हम 11 मर्डर में गए थे, पटना में 2 मर्डर, कठुआ में एक डिप्टी कलेक्टर के बेटे को मार दिया, टॉप मोस्ट डिप्टी कलेक्टर। एक बेगूसराय में सोनार को मार दिया, जो वहां से आए तो महेंद्र यादव के एक लड़के को मार दिया। फिर वहां से गिरियक गए, गिरियक से नवादा गए, नवादा से फिर एक मुझे पटना आए, जहाँ एमएलसी सुनील सिंह के बेटे का शादी था, फिर आपके यहाँ सुबह। कल वहां धरना है, 2-3 मुजफ्फरपुर की घटना है, फिर हाजीपुर में 25 तो इसीलिए जिंदा जला दिया गया कि महिलाएं डांस कर रही थी शादी में, कुछ लड़के आए वो भी डांस करने लगे। एक बच्ची ने उन्हें रोका तो उसको सुबह में 5 लड़के लेके पेट्रोल छिटके जला दिया। जहां अभी हम राजपुर गए थे, एक दारू बेचने वाला लड़का जबरदस्ती दोनों बेटी को बाहर को उठा रहा था, विरोध करने पर एक बच्ची को गोली मार दी। जहां मैं जा रहा हूं अकबरपुर में कोई इसलिए नहीं आया, लेकिन चूंकि विनोद बाबू का आदेश था, ये हमारे बच्चे से सूरज बाबू को जब मैं यहाँ टिकट दिया था, सूरज जी आप चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के, हम उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इस तरह सासाराम से भी सभी जगह से लोग चुनाव लड़वाए थे। सूरज बाबू फिर उसके पहले इलियास हुसैन जी के पहले से मेरा इस इलाके में नौखा सियाजी मिश्र से लड़ाई, फिर मोहन बेन राम बच्चन फरमान या सुदर्शन फरमान, इन लोगों के बीच में कैसे आपसी सामंजस्य हो। कर्पूरी जी हमेशा हमसे कहते थे तो पहाड़ पर जा देखो का कैसे होगा पप्पू। तो मेरा एक रिश्ता रहा है शुरू से, मैं कभी भी छोटी बड़ी घटना मुझे याद है, कोई भी कड़वन जलाशय योजना हो या आपके बगल में जो सीमेंट फैक्ट्री आज चल रही है वो बंद हो गया था, जब तक सीमेंट फैक्ट्री की शुरुआत नहीं हुई तब तक हम सदन नहीं चलने दिए थे। और हम आपके यहाँ आपके वादा किए थे कि पप्पू यादव जब तक जिंदा है ये फैक्ट्री बंद नहीं होने देंगे, और लोकसभा में हम तब तक लोकसभा को चलने नहीं दिए जब तक इसकी घोषणा मंत्री ने नहीं की और उसमें सारे पूंजीपति का इन्फॉर्मेशन था। आज भी हम दो घटनाओं से मालमहत थे, अकबरपुर में पहाड़ पर एक बड़े आदिवासी की बेटियों को बलात्कार करके टुकड़ी काट के फेंक दिया गया कर्मियों के द्वारा। तो चूंकि डेहरी में हमारे नेता अति सम्मानित है, उनके बच्चे लगातार लगे रहते, अब तो हमारे नेता बहुत बड़े हैं, जब भी आपके यहाँ कोई पानी में डूबा तब भी हम 50-50 हज़ार रुपया या पाइपलाइन का मामला था या कुछ भी डेहरी में घटना घटित हुई, हमेशा मैं आपके बीच में आता रहा हूँ। आज भी किसी में किसी संकट या किसी परिस्थिति मानवीय संकट उत्पन्न जब होती है और समाज कमजोर होता है तो मैं वहीं जाता हूँ। मेरी और कोई दिलचस्पी समाज में बहुत नहीं है। परिस्थितियां हीरो बनाती है, कोई आदमी हीरो नहीं बनता। और मैं आदमी उदमी से पढ़ा नहीं हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग के तरीके हैं सारे माफिया लोग होता है। मैं कहता हूँ 47-56 वाले को टिकट आप ही देते हो, बालू का लूट का पैसा आप ही के नगर निगम में लगता है, जमीन माफिया आप ही के नगर निगम में आपसे पैसा
लेके वोट लेते हैं, तो जितने लोग हैं बड़े बड़े लोग, या तो पैसा वाला या तो 35-56 वाला ही इस बिहार में देश में, या तो फिर जो नफरत पैदा करता है बहुत अत्यधिक। अब चौसा की इतनी बड़ी घटना घटित हुई, आप 6 लेन जो बना है यूपी से बक्सर होते हुए पटना, मुआवजा को याद कीजिए। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने हैं तो उन्होंने जमीन मुआवजा के अधिग्रहण के मामले को 3 गुना रुपया कर दिया। मनमोहन सिंह जी के बाद जब फिर दूसरी सरकार बनी तो मुआवजा जमीन अधिग्रहण के मामले को 6 गुना रुपया कर दिया। मधेपुरा में जब रेलवे फैक्ट्री हमने गए थे तो 6 गुना रुपया हमने दिलाया, और जब ये रोड बनने लगी तो इसमें जब भूमि अधिग्रहण हुआ तो आश्चर्य होगा आपको 75% काम पूरे हो गए, लेकिन अभी तक लगभग 75% किसानों को मुआवजा नहीं मिला। चौसा जल जलाशय विद्युत परियोजना जो बन रहा है 75% काम हो गया, लेकिन 35% किसान को 13-14 के मुआवजे के अनुसार पैसा मिला, जबकि वो पैसा 3 गुना मिलना चाहिए। जब उसमें MP और MLA कलेक्टर से लेकर के 12 बड़ी निर्णय लेती कि मीटिंग करके कि आप जब जब मुआवजा बढ़ाइएगा, कंपनी बार बार कहती थी कि हमको गवर्नमेंट के द्वारा जो आप निर्णय आएगा कमेटी के द्वारा उस पर हम मुआवजा देंगे। कभी लालमोनी चौबे जी वहाँ के विधायक मुन्ना तिवारी और एक विधायक एक MP इन लोगों ने कभी मीटिंग नहीं की रिहेबिलेशन के लिए पैसा बढ़ाने के लिए, और बिना कंपनी से पैसा ले ले करके लालमोनी चौबे जी की पत्नी ने 1.5 करोड़ रुपया दिया। 7 करोड़ रुपया GS स्वामी जी का जब चल रहा था तो उसमें इन लोगों ने कंपनी के मालिक से दिया। लगभग सभी के नेता पटना से लेकर के सासाराम और जिला के जितना नेता का बेटा बेटी गुंडा गुंडी था सब वहां जाकर के ठेकेदारी का काम किया, किसानों को डराया। 85 दिनों से किसान वहां थे, सबको खबर थी। DM पर इतना प्रेशर पड़ा, इतना लोगों ने लूटा, सभी लोगों ने पैसा का यहाँ भी गमन कर दिया, वहां भी गमन कर दिया। अंत में DM आत्महत्या कर गए, फिर उसके भूवर्धन पदाधिकारी आत्महत्या कर गए, और चिट्ठी लिखवा दिया गया बीबी से झगड़ा था इसीलिए आत्महत्या कर गए। मैंने यह सवाल उस वक्त भी उठाया था कि मैं आज तक नहीं समझ सका कोई नेता या कोई कलेक्टर एसपी बीबी से झगड़ा होगा तो तलाक हो जाएगा या दूसरी बीबी कर लेगा, दूसरी बीबी रख लेगा। आज तक कोई नेता आज तक बीबी के चलते मरा नहीं है कलेक्टर, ये कौन सा नया बीबी आ गई कि भाई कलेक्टर बीबी के परेशान होकर के बीबी वर्ग का छुट्टी मर गया। फिर मैंने यह सवाल दूसरा उठाया कि चलो कलेक्टर तो बीबी से मर गई, लेकिन भूवर्धन पदाधिकारी जो उसके अंडर में वो किसकी बीबी से परेशान हो गया कि भी आत्महत्या कर लिया 11 दिनों के बाद, तो उसके बाद इस कार्रवाई को रोक लिया किसी ने। हम चिट्ठी लिखी सबको भैया कुछ करो, तो लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी रहेगी, चौसा की लड़ाई। फिर अभी समाधान में गए थे मुख्यमंत्री जी ने उसको कोई चर्चा नहीं की। इस इलाके का जो बड़ा बड़ा सोमा भोपाली है बाप बेटा जगदानंद सुधा का, 9 महीना किसान पूरी दुनिया में मरते रहे, पप्पू यादव बिहार में अकेला घूमता रहा, किसान को लेकर बिहार बंद किए, पटना में हम लाठी खाए, हमारे विधायक को BJP ऑफिस में पूरा लाठी से ट्रीट दिया गया रामचंद्र जी को, हम तब तक में कहीं और थे। इस तरीके से बिहार में अकेला किसान ही सुन के आप लोग कोई घर से नहीं निकले, बिहार का तो मुद्दा आप लोग नहीं समझे ना आपने। इतने दिनों में मरे तब उसके बेटा को जेल गया, उसका बेटा लीडर्स के 4 करोड़ रुपया उसके बेटा पर घपला का आरोप है, उसी में जेल भी गया, BJP से चुनाव लड़ा। अब वो सूप बाजा तो बाजा चल जियो बाजा है, हमाम में सब नंगे हर डालकर उन्हें बैठा है, नाम गुलिस्ता क्या होगा। शीशे के घर में रहते बाप बेटा जितना मर्डर हुआ उसी इलाके में, चंद्रमा यादव का मर्डर हुआ अकेला पप्पू यादव गया, जबकि उसका जगदानंद सिंह का वो क्षेत्र था, इलाका था। करगल के विजेंद्र की हत्या की हत्या हो गई, लालू यादव के राइट हैंड थे, उसको जाना चाहिए था। आज तक करगल में विजेंद्र यादव के परिवार को यह नहीं मिल सकता, अकेला पप्पू यादव को आना पड़ा, जबकि वो RJD से चुनाव के लिए वहाँ के प्रमुख थे। लालू यादव उसके घर पर कई बार गए, उस वक्त लालू यादव यही थे, बिहार में ही थे, ठीक है। आज जौहर साहब, शरद जी, मुलायम सिंह, रामविलास जी नहीं रहे, लालू यादव जी बीमार है। इस हालात में जो सिस्टम है, जिस तरीके से
लगातार परेशानी का कारण बना। लेकिन विजेंद्र जी इस इलाके में इतनी हत्याएं हुई, क्या इतनी जिम्मेदारी क्या दायित्व नहीं था? भेड़ के एक बार गरीब आदमी का 70-80 भेड़ कट गया, बच्चा जो भेड़ चला था ना वो कट गया, एक आदमी एक एमएलए उसके हाथ गया, पप्पू यादव को छोड़ते भाई बड़ा बड़ा सोना भोपाली यहाँ पहुंचते हो। आप याद कीजिए जगतानंद भाई को कभी किसी से बड़ा यहाँ इस इलाके में, चाहे रामधारी जी हो, चाहे व्यास हुसैन हो, चाहे जितने रामविलास पाल हो, जो लोग बने कभी जगतानंद जी को नहीं बना। और आज बाप बेटा सीधा कर जाता रहता है, इतना बड़ा घटना घटा शिवानंद भाई, अभी कीर्ति चर्चा छो मर्डर हुआ बने आरा में, एक जैन का मर्डर हुआ, एक गुप्ता का मर्डर हुआ, एक मनवाड़ी का मर्डर हुआ, एक महेंद्र सिंह के बेटा का मर्डर हुआ, एक पटेल का मर्डर हुआ, कहीं के लोग नहीं जाते, कहीं के लोग नहीं गए। शिवानंद भाई के क्षेत्र में उनके हर क्षेत्र में उनको गोली मार दिया गया। हम कहते रहे कि आपको जाना चाहिए, नहीं गया, अभी लोग बैठ के घर में राजनीति करते। भाई आपको समझना पड़ेगा, विशाल जी आप जिला अध्यक्ष हैं, विनोद जी प्रधान महासचिव हैं, छोटी छोटी बातों में आप सेंटीमेंट में आते हैं, ऐसे तो काम चलेगा नहीं, मरना तो अब सबको है, चेंज तो होकर रहेगा, विशाल जी का कभी में नहीं रहेगा। हर आदमी दुनिया में एक चीजों के लिए पैदा नहीं हुआ, और हमारे जैसे लोग जब मैं दुनिया में आया, जब मैं आया चाहे कोरोना हो, पार हो, दुनिया की कोई घटना कर, मैंने कभी जीवन में कोई समझौता नहीं किया, थोड़ी सी दो तीन बात समझ लेने की जरूरत है और मैं अपनी बात कहते जाऊंगा। देखिए इस देश में इसको ऐसे समझिए, चूंकि आपका उद्घाटन का कार्यक्रम है इसलिए मैं इसमें, लेकिन जब कोई उद्घाटन का कार्यक्रम किए हैं आप लोग, तो मैं अपनी एक भावना आपको कह देना चाहूँगा। इस देश में 20 कंपनी है जो 90% दुनिया का मुनाफा कमाती है, 20 कंपनी है जो 90% मुनाफा कमाती है, 10% से छोटी छोटी गरीब मिडिल क्लास की लोग। इस देश में लगभग 100 लोग हैं जिसके पास 70% के भारत के 60% भारत का पैसा उसके पास है, और वो जीएसटी का पैसा देता है मात्र 3%। पत्रकार जी गौर से समझिएगा, समझो जीएसटी का 3% मात्र पैसा देता है। इस देश का 64% गरीब और मिडिल क्लास के लोग हैं, उसके पास 3% पैसा है, वो 64% जीएसटी देता है। उसके बावजूद भी बड़का बड़का नेता, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हम खैरात में खाता है गरीब में, 64% जीएसटी देने वाले को भी खैरात में बोलना। ये जो माफिया लोग हैं, बालू माफिया, जमीन माफिया, ये जो चोर सब है, शराब माफिया लोग अपने को भागना ज्यादा मुश्किल है, अब गलतफहमी के शिकार है। भगवान ना करे जिस दिन मैं आ गया उसकी गलतफहमी काम है बिठा हुआ, ये तो भगवान को भी पता नहीं है, आदमी तो खैर दूर की बात है। मैं आदमी आदमी के घर से चीज हूँ, मैं बिना मिटाए तो वैसे भी मैं किसी को छोटा हूँ। इस हालात में कंट्री है, कंट्री नाइजीरिया से ज्यादा गरीब, कंट्री बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से ज्यादा भुखमरी की स्थिति है। डॉलर 83 के पार कर चुका है, महंगाई की स्थिति हुई है। एक व्यक्ति कश्मीर से कन्याकुमारी राहुल गांधी लगातार कश्मीर में भी, जम्मू में भी आधा शर्ट टी शर्ट पहन करके -3 में वो चल रहे। मुझे याद है कभी मक्का से मदीना मोहम्मद साहब जब चले थे 400 किलोमीटर, फिर मोहम्मद साहब के बाद मुझे वो बुद्ध की वो यात्रा दक्षिण से उत्तर राम के बारे में कहा गया, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आस्था पर मैं बहुत ज्यादा बोलता नहीं हूँ, मुझे मुद्दा है गरीबी का, चीजों का। फिर महावीर ने पद यात्रा की थी, फिर शंकराचार्य ने पद यात्रा की, यह पद यात्रा इस चलती के सौभाग्य को, डेमोक्रेसी को, आम आदमी जो कंप्लीट रूप से इस देश में कभी गरीब पर बहस नहीं होती, कभी रोजगार पर बहस नहीं होती है, कभी यूथ पे बहस नहीं होता है, कभी हेल्थ पे बहस नहीं होता है। मैंने कहा है मुख्यमंत्री जी से, इसी घटना में 7 यादव को कहीं मार दिया था और कुछ लोगों को मार दिया था, उस दिन चर्चा हो रही थी, मैंने कहा कि ऐसे नहीं होता है मुख्यमंत्री जी। और मैंने तेजस्वी जी को भी कहा कि लीडरशिप का मतलब कंप्लीट रूप से चेंज करने की जरूरत है, लेकिन कोई सुने तक तो हालात अच्छे नहीं है। आप लोग भले जो कहिए, संगठन पर आपकी कोई काम होती नहीं है। मैं विनोद जी और विशाल जी और अन्य प्रकोष्ठ के, चाहे युवा मोर्चा हो, युवा शक्ति हो, छात्र हो, चाहे हमारे सेवा दल के हो, चाहे चिकित्सक प्रकोष्ठ के लोग हो,
हम चाहेंगे कि संगठन पर आपकी चर्चा हो, आप हमको मत दीजिए दो छोड़ एक छोड़ सब लालू यादव नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, हो सकता है उससे दुनिया में हमको एक छोड़ एक जिला में दीजिए और 40 जिला हो गया। उस दिन चाइना रूस और अमेरिका भारत के बिहार में उतर के वहाँ का राष्ट्रपति देखने नहीं आए तो मेरे पैदाइश का फर्क होगा। मैं तो कुछ आपसे मानता नहीं हूँ, मैं तो एक मैंने कहीं से नहीं, हर जिले में आप 6 ठो 5 ठो किसी और को दे दीजिए, मुझको कोई लेना नहीं। मैं किसी को मैं कोई अमेरिका में जब थोड़ा सा मेरा संकट है मैं अमेरिका से क्यों आ गया मुझको पता नहीं, उत्तर काटा था कि क्या काटा था देश में जाना। अब 57 पे हो गया, 83 में हम मुखिया बने थे, 81 में माओवादी से लड़ने गए थे तो 6 महीना लौटे नहीं थे, मधेसियों को मारता था तब से लेके अभी BSSC के पेपर लीक को लेके लाठी खाए, फिर अमीन को लेकर के लाठी खाना पड़ा, 3 दिन पहले चौसा में जाकर के लाठी खाने की नौबत पाई, उसके 2 महीना पहले अभी नेपाली नगर और राजीव नगर के लिए लाठी गोली चली। तो कोशिश करता हूँ हर लोगों की जिंदगी सफल हो।